दोस्तों, अभी कुछ साल पहले तक जब मैं अपने CA फाइनल की प्रेपरेशन कर रही थी तो मुझे याद है कि कैसे एक वक्त पे पढ़ाई बहुत बोरिंग लगने लगती है। दिन का कोई ऐसा पीक टाइम होता है, ऐसा कुछ वक्त होता है जब लगता है कि यार बहुत बोरिंग सा होने लग रहा है, और ना चाहते हुए भी जो ध्यान है, जो हमारा हाथ है, हमारे टैब हमारे मोबाइल फ़ोन की तरफ चला जाता था। उसके बाद जब मैंने CA बनने के बाद काम करना शुरू किया, इंटरेस्टिंग प्रोफाइल में काम करना शुरू किया, उसके बाद अब मैं पढ़ाती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा जो दिमाग है वो मेरे काम में लगा रहता है। और बार बार मेरा दिमाग ये नहीं कहता कि चले रगरेगा, ये स्टेटस चेक करते हैं, ये रील्स चेक करते हैं, ये यूट्यूब का वीडियो चेक करते हैं, एक्सेट्रा। होता है लेकिन काफ़ी कम एक्सटेंट तक होता है। तो भाई इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे मैं आपको, मैंने कुछ सोच विचार किया है, कुछ रिसर्चेस किए हैं, कहीं जगह पढ़ा हुआ है, और उसके बेसिस पे अगले 4-5 मिनट में मैं आपको बता दूंगी कि आखिरकार आप ऐसा करते क्यों हो, आपके साथ YouTube का, मोबाइल फोन का, Instagram का, Facebook का एडिक्शन क्यों हो गया है। दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में, मेरा नाम है अग्रिका, आई एम अ फैकल्टी फॉर CA फाउंडेशन एंड फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग। पिछले कुछ दिनों से हर प्लेटफॉर्म पे एक मैसेज आता था कि मैम मोबाइल फोन से एडिक्शन हो गया है, तो भाई इसके लिए कुछ बताइए। अब मैं अगर यूजुअली दूसरे टीचर की तरह या फिर दूसरे लोगों की तरह आपको ये बताऊं कि बेटा इसको D&D मोड पे लगाओ, इसको इस और उस मोड पे लगाओ, कुछ स्टे फ्री मोड होता है उस पे लगाओ, मोबाइल फोन को कहीं और रख के आ जाओ, तो एक बात बताओ, तुमको भी पता है कि ये जो स्क्रोलिंग है ना, स्क्रोलिंग इट इज द न्यू स्मोकिंग। हम सब स्मोकर्स की तरह हो गए हैं, और अगर स्मोकर, अल्कोहल पीने वाले लोग, एडिक्टेड लोग, इनसे अगर बोला जाए कि भाई ऐसा करियो, जरा सिगरेट को, अपनी शराब की बोतल को कहीं और दूसरे कमरे में रख दो या फिर अपनी नजरों के सामने से हटा दो, तो क्या वो बहाने नहीं फाइंड करेगा कि कैसे वो उस तक रीच कर सके। तो ये जो D&D मोड है, ये जो नोटिफिकेशन ऑफ करने का मोड है, कुछ लोगों के लिए काम करता है, लेकिन हम सबका दिमाग जो है बहाने ढूंढ ही लेता है कि कैसे यार मोबाइल फोन की तरफ चाहे। और दूसरी बात, जब फोन कॉल्स आएंगे, हम लोग दूर रहते हैं घर से, कभी कभी फोन कॉल्स आएंगे, इंपॉर्टेंट कॉल्स आएंगे, वापस से मोबाइल फोन हाथ में हो जाएगा। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि कॉलिंग वाला मोबाइल के अंदर ही सारी की सारी दुनिया है, और वापस से हम लोग उसी में लग जाते हैं। समझो दोस्तों इस बात को, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है, उसके बाद आप खुद से ही अपना सोल्यूशन डिवाइस कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। देखो दोस्तों, ये जो हमारा मोबाइल फोन है, हम जैसे लोग जो CA बन चुके हैं, हमसे और बड़े लोग, हमारे एज के लोग, हमारे वक्त में आज से 7-8 साल पहले मोबाइल फोन इतने ज़्यादा हम इतने वल्नरेबल नहीं थे, इतनी इवॉल्व्ड एप्लीकेशंस नहीं थी, इतना इवॉल्व्ड मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, तब तक हम ही लोग स्मार्ट थे। अब तो मोबाइल स्मार्ट हो गया है, राइट? तो हम लोगों ने तो अपना करियर बना लिया। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल आज की डेट में आप लोग हो, जिनका जो करियर का मेन टाइम है। पहले तो बोलते थे यार रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में लोग बर्बाद हो रहे हैं, अब तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ज़्यादा चक्कर से बर्बाद हो रहे हैं लोग फोन से। कहने का मतलब, आपकी जो ये एज है, ये एज है कि आप अपना करियर सेट करो। हम लोगों ने तो कर लिया जितना करना था, अब हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन तुम अपनी जो यंग एज है ना, जिसमें तुमको बहुत क्रिएटिव होना है, बहुत सोच विचार करना है, हसल करना है, उस एज में ये जो मोबाइल फोन है वो तुमको खा जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूं कि ये जो एप्लीकेशंस है बच्चों, ये जो फेसबुक है, जो इंस्टाग्राम है, जो यूट्यूब है, XYZ पता नहीं क्या क्या है, मैं ये तीन ही यूज करती हूं, ट्विटर एक्सेट्रा, ये जो एप्लीकेशन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनका पूरा का पूरा जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हमारे पैसे को क्या, हमारे टाइम को, हमारे अटेंशन को ग्रैब करना, और उसी अटेंशन को जब हम उनको दे देते हैं तो वो उससे पैसे कमाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ब्ला ब्ला, ये सब कितना ज़्यादा इवॉल्व हो गया है। उनकी पूरी नज़र रहती है, इन ऐप डेवलपर्स की पूरी नज़र रहती है कि वो देख पाए कि हमारी एज के हिसाब से, हमारे इंटरेस्ट्स के हिसाब से, हमारे कॉमन फॉलोइंग्स के हिसाब से उन्हें नेक्स्ट रिकमेंडेशन हमें क्या देनी है। यानी कि एक पूरा का पूरा रोड क्रिएट हो चुका है, पूरी पूरी स्ट्रैटेजी क्रिएट हो चुकी है कि ये बंदा अभी ये वीडियो देख रहा है या फिर ये कर रहा है, तो उसको नेक्स्ट क्या करना है, उसको नेक्स्ट क्या दिखाना चाहिए, जिससे कि उसके 25 मिनट, 30 मिनट, अगला 2 घंटा फिर से स्वाइप हो जाए, बिल्कुल एकदम बर्बाद हो जाए। होता है ना ऐसा? ठीक है, तो इसका मतलब जिन ऐप्स को हम अपने दिल के करीब रखते हैं, ये ऐप्स जो है पहले से स्ट्रैटेजी क्रिएट करके रखे हुए हैं हमारा टाइम बर्बाद करने का। Until and unless तुम कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास देख रहे हो, until and unless तुम बहुत प्रोडक्टिव चीज, स्किल सीख रहे हो, तुम्हारे लिए ये बर्बादी का ही कारण है। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैंने आपको ये बात बता दी, सबको ही पता थी। अब समझते हैं कि कुछ लोग, कुछ बहुत ही चंद लोग हैं जो कि पूरे पूरे दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ नहीं करते, और अब मैं भी उस कैटेगरी में फॉल हो चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कैसे
एग्जाम के टाइम में और उसके बाद क्या डिफरेंस आया वो मैं आपको बताती हूँ। होता क्या है दोस्तों, कुछ लोग जो है बिल्कुल दूर है और कुछ लोग बिल्कुल घुस चुके हैं, बिल्कुल उनका दिन की जो शुरुआत हो रही है पानी पीने से पहले, कुछ और करने से पहले उनकी दिन की शुरुआत हो रही है स्टेटस चेक करने से, और घंटे दो घंटे तीन घंटे कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता, शेड्यूल तो चिपका का चिपका रह जाता है। ये होता क्यों है ये मैं अपने लाइफ एग्जाम्पल से बताती हूँ। पढ़ाई या फिर जो भी तुम जिंदगी में कर रहे हो वो इस वक्त बोरिंग है, कान खोल के सुनो, एंड दिस इज द ट्रूथ। तुम मोबाइल फोन की तरफ बार बार इसलिए अडिक्ट हो रहे हो, बार बार फिर से इंक्लाइंड हो रहे हो, बार बार तुम्हारा हाथ मोबाइल फोन या फिर स्टेटस चेक करने में इसलिए जा रहा है क्योंकि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में जो भी प्राइमा फेसी सबसे बड़ी चीज चल रही है, हो सकता है वो पढ़ाई चल रही है, हो सकता है तुम्हारा काम चल रहा है, वो बोरिंग लग रहा है तुमको। यस, दिस इज द ट्रूथ। तो मैम क्या करना चाहिए? देखो, इसका सीधा साधा सलूशन जो है डीएनडी मोड पे लगाना नहीं है। अगर होता तो क्या तुम लोग इतने स्मार्ट हो आज तक ये काम नहीं करते? ऑब्वियसली कर चुके होते। तो इसका सीधा साधा सलूशन मेरे बच्चों ये है, ध्यान सुनो, कि तुम्हें अपनी लाइफ में, और यही मेरे साथ हुआ, तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई ऐसी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, कोई ऐसी हॉबी डेवलप करनी पड़ेगी, कोई ऐसा गोल डेवलप करना पड़ेगा जो कि सच में तुम्हारा ट्रू सेल्फ हो। मैम इसका मतलब क्या है? देखो, हम हर इंसान जो इस दुनिया में आता है उसके अंदर कुछ ना कुछ खूबी जरूर होती है, जस्ट दैट हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पसंद है आप लोगों से बात करना, मुझे पसंद है आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाना, मुझे पसंद है फाइनेंशियल मॉडलिंग बच्चों को पढ़ाना, सीए फाउंडेशन पढ़ाना। अब उसमें मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, वो मुझे बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता है, एज कम्पेयर टू जो मेरा बहुत पुराना काम था अकाउंटिंग का, वो मैं करती रहती थी और मैं मुझे बोरिंग लगता था और मैं बार बार चेक करती थी। अब यार दो दो तीन तीन चार चार घंटे निकल जाते हैं मैं अपना इंस्टाग्राम नहीं चेक करती हूँ। व्हाई? Because there is something, this is the conclusion, there is something in my life, probably my work, probably my studies in your case, skill in your case, hobbies in your case, which is more interesting, which is less boring. और यही conclusion है कि यदि आपकी जिंदगी में आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा interesting है, जो कि आपके true self से aligned है, जिसमें आपको interest आ रहा है creativity build करने में, अपने आप को बेहतर करने में, तो आप जो है भूल जाओगे mobile phone use करना। ये बिल्कुल सच है। अगर आपको लगता है कि बात सच है तो comment section में लिखो, और अगर आपको लगता है कोई और इसके पीछे का reason है, देखो मैं हमेशा अपने videos में बिल्कुल नॉर्मल जेन्युइन बात करती हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती, और जो मुझे लगता है कि जो रूट कॉज है उस प्रॉब्लम का वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो मैम करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, फिगर आउट करो कि यार लॉन्ग टर्म में मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। मैं अपने जूनियर्स को, अपने घर में अपने भाई बहनों को भी यही बताती हूँ कि यार सोचो कितने अनफॉर्चुनेट हैं हम लोग। एक तो कोविड हो चुका है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम जो है इतनी ब्यूटीफुल दुनिया में जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम एक फ्लैट के एक कोने में दिन भर मोबाइल फोन लेकर के बैठे हुए हैं, उन्हीं दो चार लोगों से बात कर रहे हैं, और हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम कुएं के मेंढक बन चुके हैं। दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है, हम कितना कुछ क्रिएटिव और ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो जाते जाते बस ये कहूंगी कि फिगर आउट करो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या है जो कि बोरिंग हो चुका है, फिर फिगर आउट करो कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। वो छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है यार, लोग जो है सॉफ्ट टॉयज ही बनाते हैं और उसमें इतने मगन हो जाते हैं कि उनको अपने दीन दुनिया मोबाइल की खबर नहीं होती है, राइट? तो समझ पा रहे हो मैंने कि इस बात को कि नहीं? तो तुम्हें किस तरीके से तुमने जो चूज किया है उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, या फिर तुमने जो चूज किया है वो बोरिंग था, तुम्हें क्या नेक्स्ट चीज पिकअप करनी है जो कि इतना बड़ा बन जाए, जो कि तुम्हारे मोबाइल फोन से ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट और वैल्यूएबल बन जाए, कि तुम्हारा दिमाग ऑटोमैटिकली शिफ्ट हो जाएगा वहां से। तो ये थी बड़ी बात, लेकिन यही थी सच बात। डीएनडी मोड पे तो मैंने भी बहुत बार लगा करके देख लिया। स्टेफ्री नाम से एक ऐप आती है, उसको डाउनलोड कर लो। उसमें क्या होता है, वैसे तो मैंने आईफोन में किया है, एंड्रॉइड में भी शायद आती ही है। आप जो है स्टेफ्री ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप देख लेंगे कि किस तरीके से आपका स्टेटस है, आप कितना फोन यूज कर रहे हैं, फोन आपको बता देगा। लेकिन कहने की बात, जब तक जड़ को सही नहीं करोगे बच्चों, जब तक जड़ को सही नहीं करोगे, तब तक ये जो तांडव है ना मोबाइल फोन का, एडिक्शन का, वो नाचता रहेगा। और साथ ही साथ ज्यादातर ये भी बताऊंगी, जो कि आपने कैप्शन में देखा होगा थंबनेल पे, कि यदि आप यूट्यूब पे दिन भर पढ़ रहे हैं, देखो कुछ चैनल्स हैं जो कि दिन भर आपको पढ़ाते हैं, राइट? तो आपको समझना है कि वो आपके लिए सही है कि नहीं है। जैसे कि जो रैलीज हुई थी उसमें लोगों को समझना चाहिए था कि कोविड ज्यादा खतरनाक है या फिर रैली में ना जाना ज्यादा खतरनाक है। तो सिमिलरली आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपको दिन भर यूट्यूब पे वीडियोस देखना पढ़ाई के नाम पे इंपॉर्टेंट है कि नहीं। क्योंकि जब वीडियो खत्म हो जाता है तो आपके मोबाइल फोन को पता है कि आपको क्या रिकमेंडेशन देना है, और वीडियो के बाद तीन घंटा कहां जाता है आपको भी नहीं पता। मैं ये नहीं बोल रही कि वो वीडियोस अनइंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये जो
तरीका है पढ़ाने का वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी छोटे हो। मेरी इस बात को प्लीज समझना और थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करो कि तुम क्या जिंदगी में करना चाहते हो। यार जिंदगी बहुत छोटी है, खुद इंस्पायर्ड रहो, मेहनत करो और दूसरों को इंस्पायर करो, वरना ये जो लूप है ना अपने आप से बोर होने का, अपनी चीजों से बोर होने का, ये बढ़ता चला जाएगा और एक दिन तुमको खा जाएगा। ऐप्स तो पैसे कमा रही है यार, इंटरनेट तो पैसे कमा रहा है, तुम समझो कि तुम्हें उसको पैसे और तुम्हारा वक्त देना है कि नहीं देना है। दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। बाय बाय गाइस, टेक केयर।